तो पता तो होगा ही कि आज वेडनेसडे है और अपन लोग का हर वेडनेसडे होता है वेब न्यूज डे, जहाँ पे मैं तुम्हें पूरे हफ्ते के मार्वल, डीसी और पॉप कल्चर से रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स देने की कोशिश करता हूँ। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो अपन लोग का पहला अपडेट है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की साइट से। तो अभी रिसेंटली हॉलीवुड के डायरेक्टर क्वेंटिन टेरेंटिनो ने ये बोला था कि एमसीयू के जितने भी एक्टर्स हैं वो उनका कोई स्टारडम नहीं है, बल्कि वो जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उनका स्टारडम है। उनके अकॉर्डिंग क्रिस हेम्सवर्थ स्टार नहीं है बल्कि थॉर स्टार है। क्रिस इवांस भी कोई स्टार नहीं है बल्कि कैप्टन अमेरिका स्टार है। जिसका रिप्लाई करते हुए अपने आयरन मैन को प्ले करने वाले एक्टर आरडीजे ने बोला कि यार इन सब चीजों से बाहर निकलो, हम एक ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं। उन्होंने बोला कि ये पॉप कल्चर का समुंदर इतना बड़ा है कि इसमें हम सबके लिए जगह है। मतलब एग्जैक्ट ऐसे ही शब्दों में नहीं बोला, वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ समझाने के लिए। इससे पहले भी कई सारे हॉलीवुड के डायरेक्टर्स एमसीयू को लेके अलग अलग तरह का क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। मार्टिन स्कॉर्सेस ने बोला कि एमसीयू सिनेमा नहीं है और डेनिस विलेन्यू सोचते हैं कि एमसीयू की मूवीज जस्ट कॉपी पेस्ट कर रही एक दूसरी मूवीज को। और अभी रिसेंटली अपने अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने बोला कि ये कैरेक्टर्स एमसीयू के उतने रियलिस्टिक फील नहीं करते हैं, ऐसा लगता है ससुरे जस्ट कॉलेज स्टूडेंट हैं। और मैं तुम्हें सच बताऊं तो एमसीयू को लेकर ये जो डायरेक्टर्स का इतना क्रिटिसिज्म आता है, इस पे मैं एग्री नहीं भी हूं और एक जगह पे एग्री भी करता हूं। हर एक चीज और हर एक स्टेटमेंट में कुछ न कुछ सच्चाई होती है, चीजें ऐसे ही नहीं बोली जाती। इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है आर्मर वार सीरीज की तरफ से। तो इसमें अपने रोडी का कैरेक्टर प्ले करने वाले डॉन चीडल ने ये बोला है कि मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमसीयू में अब तक रोडी को लेकर कुछ भी एक्सप्लोर किया गया है। और मैं डॉन के इस स्टेटमेंट का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि हाँ वाकई में इसे स्टार्ट टू एंड अभी तक एक साइड कैरेक्टर की तरह ही दिखाया गया है, जो कि ऑब्वियस भी है कि आप कितना भी बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों ना तैयार कर लो, आप हर एक कैरेक्टर को मेन स्ट्रीम में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। लेकिन अब अपने रोडी भैया को एक प्रॉपर मूवी मिल रही है, वो भी उनके कैरेक्टर के मेन नाम से, तो उम्मीद है कि इस कैरेक्टर को जस्टिस मिल जाए। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है डेयरडेविल के चार्ली कॉक्स की तरफ से। तो जर्मन कॉमिक कॉन इवेंट के दौरान अपने चार्ली कॉक्स ने ये बोला कि जिस हिसाब से डेयरडेविल बॉर्न अगेन की टोन है, वो डेडपूल 3 में अपीयर हो सकते थे। अब इस टोन वाले वर्ड का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तुम लोग कमेंट में करोगे क्या कहना चाहता है चार्ली कॉक्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में ये लोग अपने चार्ली से कॉमेडी करवाएंगे। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पीपल्स चॉइस अवार्ड को लेकर। तो पीपल्स चॉइस अवार्ड की तरफ से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को बेस्ट मूवी ऑफ 2022 से अवार्ड किया गया है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब इससे पहले कि तुम लोग पीपल चॉइस अवार्ड को बायकॉट करो और भड़क जाओ, मैं बता दूं कि ये अवार्ड टोटल ऑडियंस रेटिंग पे डिपेंड करता है, वो लोग वोट करते हैं। इसे तुम इस हिसाब से देख सकते हो कि छपरी टिकटॉकर्स के मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, वहीं केके और कई सारे अच्छे सिंगर के अभी तक 500 के भी नहीं है। शर्म करो, भगवान से डरो। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसे जिस कैटेगरी में अवार्ड मिला है वो ये एक्चुअल में डिजर्व करती थी। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है सीक्रेट वार्स को लेकर। तो हैवी स्पॉयलर YouTube चैनल और डैनियल रिचमैन जैसे जो इनसाइडर्स हैं, जो मार्वल के बड़े बड़े लीक्स देते हैं, उन्होंने बताया कि ह्यू जैकमैन और टोबी मैग्वायर सीक्रेट वार्स में जरूर दिखेंगे। और मैं पर्सनली बताऊं तो ये चीज सेंस भी बनाती है, क्योंकि टोबी ऑलरेडी अपन लोग को एमसीयू में देखने को मिल चुका है और अपने ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन ऑलरेडी डेडपूल 3 अनाउंस कर चुके हैं। तो इन दोनों को वापस से अप्रोच करना एमसीयू के लिए उतना मुश्किल नहीं है। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है स्पाइडर वर्स अक्रॉस द स्पाइडर वर्स से। तो इस मूवी की स्पाइडर गवेन और माइल्स की एक स्टिल सामने आई है, जो कि काफी कूल लग रही है इनकी रिलेशनशिप को लेकर। और इस मूवी का ट्रेलर 13 दिसंबर को आ जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और हाँ उस दिन मेरा जन्मदिन भी है। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है कैप्टन मार्वल 2 यानी कि बोले तो दी मार्वल्स को लेकर। तो इस मूवी में कैप्टन मार्वल और दी मार्वल्स के ऑफिशियल न्यू प्रोमो आर्ट सामने निकल कर आए हैं, जो कि मैं सच बताऊं तो मुझे दोनों का उतना खास नहीं लग रहा है। बाकी अगर तुम्हें इन दोनों छोरियों में से किसी एक का प्रोमो आर्ट अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है एंटमैन 3 को लेकर। तो CCXP के Q&A में अपनी वास्प का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस इवेंजेलिना लिली ने ये बोला कि उसकी मम्मी यानी कि होप वेंडाइन के सीक्रेट्स काफी ज्यादा डार्क और डिफिकल्ट हैं। मतलब क्वांटम रेल में इतने साल फंसे होने के बाद जेनेट वेंडाइन ने कुछ ऐसे कांड किए हैं वहां पे, जो कि उनके रिलेशन में काफी ज्यादा दिक्कत पैदा करेंगे। तो अब तुम कमेंट करके बताओ कि ऐसी कौन सी भसड़ मचाई होगी अपनी जेनेट वेंडाइन ने क्वांटम रेल्म के अंदर। और इसी मूवी से अपने स्कॉट लैंग के नए सूट का एक नया लुक भी सामने आया है। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है लोकी सीजन 2 को लेकर। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में लीजा एरन का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस केट डिकी को लोकी के सीजन 2 में एज मेन विलेन कास्ट कर लिया गया है। एंटागोनिस्ट भी फीमेल, प्रोटागोनिस्ट भी फीमेल, हम बनाएंगे एमसीयू को एमसीयू।
तो इसके बाद अपन लोग का बड़ा सा अपडेट है डीसी को लेकर। तो डिजिटल मीडिया वैरायटी के अकॉर्डिंग ब्लैक एडम मूवी 50 से 100 मिलियन डॉलर के लॉस में है, और वो भी अपने थिएट्रिकल रन की वजह से। इस मूवी का बजट 195 मिलियन डॉलर था और ऑलमोस्ट 100 मिलियन इसकी मार्केटिंग में, मान लो आप। तो मेरे डीसी फैन क्या कह सकते हैं अब। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है दी फ्लैश मूवी को लेकर। तो ये मूवी वापस से एक हफ्ते और डिले हो गई है और अब इसकी नई रिलीज डेट है 16 जून 2023। बस तब तक दुआ करना कि उस एक हफ्ते में ये बंदा और कोई कांड ना कर दे। और इसी के साथ ही ब्लू बीटल फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सामने आया है। तो अब जेम्स गन सामने से स्टैंड ले रहे हैं अपनी मूवी को लेकर, और ये मूवी कैंसिल भी नहीं हुई थी, तो इस मूवी से मुझे अब उम्मीदें लग रही हैं। और हाँ, जेम्स गन से याद आया कि रिसेंटली उन्होंने किंगडम कम कॉमिक का एक पैनल शेयर किया, ये लिखते हुए कि मेकिंग प्लान्स। और ये पैनल देखकर ये लग रहा है कि ये हाल फिलहाल के प्लान नहीं है, बड़े दूर की सोची जा रही है। तो अगर तुमको किंगडम कम कॉमिक का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके बताओ ना। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है अपनी हार्ली क्वीन यानी मार्गरेट रॉबी की तरफ से। तो हार्ली को प्ले करने वाली एक्ट्रेस मार्गरेट रॉबी ने ये बोला है कि वो पॉइजन ईवी के साथ एक लाइव एक्शन ऑन स्क्रीन रोमांस करना चाहती हैं। अरे टेंशन मत लो रॉबी जी, फुल सपोर्ट, आप ही नहीं बल्कि हम भी देखना चाहते हैं। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है यू सीजन 4 को लेकर। तो इस सीरीज का फर्स्ट लुक सामने आया है और भाई मैं तो अपने जोए गोल्डबर्ग के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है रॉबर्ट पैटिंसन की नई मूवी मिकी 17 को लेकर। तो इस मूवी का फर्स्ट लुक और इसका टीजर आ चुका है, तुम चाहो तो ऑनलाइन देख सकते हो। इसी के साथ ही डंजन्स एंड ड्रैगन्स मूवी का भी नया पोस्टर सामने आया है, और अगर तुमको नहीं पता तो अपने स्ट्रेंजर थिंग्स में इस मूवी का काफी ज्यादा रेफरेंस दिया जाता है, और स्ट्रेंजर थिंग्स में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनके मोस्टली नाम इसी गेम से इंस्पायर्ड हैं। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है जॉन विक चैप्टर 4 को लेकर। तो इस मूवी का नया पोस्टर सामने आया है और अपना जॉन विक इसकी स्पिन ऑफ बेलोरिना में भी होने वाला है, तो मैं इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है दी बॉयज की स्पिन ऑफ सीरीज जेनवी को लेकर। तो इस सीरीज का टीजर आ चुका है, तुम चाहो तो देख सकते हो। ये अमेरिका के ऐसे कॉलेज पे बेस्ड है जहाँ पे सिर्फ सुपर हीरोज पढ़ने जा सकते हैं। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है एसएस राजामौली के लिए। तो अपने आरआरआर के डायरेक्टर राजामौली सर को बेस्ट डायरेक्टर एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल से नवाजा गया है, और आज का अपन लोग का फाइनल अपडेट है हनुमान मूवी को लेकर। तो इस मूवी के टीजर ने 1 मिलियन प्लस लाइक्स क्रॉस कर लिए हैं, जिसके लिए प्रशांत वर्मा सर ने पूरी ऑडियंस को थैंक्स बोला है। अधीरा और हनुमान को लेकर प्रशांत वर्मा अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं जिसको फुल सपोर्ट है। तो गाइस ये थी आज की वेब न्यूज डे, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।